नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 45 डिग्री पार के टेम्परेचर पर धड़क रहा है इस वक्त देश, दहक रही है देश की राजधानी दिल्ली। जून की तपिश हर रोज नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। दिल्ली में गुरुवार का दिन पिछले 5 साल का सबसे गर्म दिन रहा, तो राजस्थान के कई शहरों में पारा 47 डिग्री से भी ज्यादा हो गया। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए क्यों जानलेवा हो रही है जून की गर्मी। पांच जून को दुनिया पर्यावरण दिवस मनाती है। उस पर्यावरण का क्या हाल है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। कैसे 45 डिग्री पार के हाई टेम्परेचर पर लोगों को जला रहा है जून। देश के पश्चिमी हिस्से से लेकर पूरे उत्तर और पूर्वी इलाके में गर्मी का पारा नए रिकॉर्ड पर परचम लहरा रहा है। पश्चिमी राजस्थान का फलौदी 49 डिग्री, तो छत्तीसगढ़ का रायपुर शहर 47 डिग्री पर झुलस रहा है। इस वक्त मैं रायपुर के गांधी चौक इलाके में खड़ा हूं और ये इलाका आमतौर पर दिन भर राहगीरों से भरा पटा रहता है, लेकिन इस बार यहां मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है और ये मरीज गर्मी के मारे हुए हैं। आइए हम जानते हैं इन मरीजों से कि किस तरह वो गर्मी का शिकार हुए हैं। इतनी गर्मी मैंने आज तक नहीं देखा। दिन में 2-3 से 4 बार नहाना पड़ता है, आंखें जलती हैं और लाल हो जाती हैं, चलना मुश्किल हो रहा है, बहुत गर्मी है, बड़ा परेशानी है। ये तापमान मौसम विभाग के अनुमान से भी ज्यादा है। देश के इस मध्य पूर्व हिस्से में गर्मी के प्रचंड प्रहार को नौतपा कहा जाता है, जो 9 दिन चलता है। वो कहर गर्मी में ही गुजर चुका है, लेकिन जून के महीने में जो पारा चढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ तो नौतपा से भी ज्यादा तपिश भरा है। भोपाल जैसे शहर का पारा औसत से 5 डिग्री ऊपर जा चुका है। इनमें से 4 डिग्री की बढ़ोतरी तो पिछले 48 घंटे में हुई है। नौतपा खत्म होने के बाद भी मध्य प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार है और भोपाल की बात करें तो इस साल जून का 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और तापमान 44.4 डिग्री तक पहुँच गया है। यहाँ आप देख सकते हैं जो लोग हैं यहाँ पर, जो मुँह पर कपड़ा बांधे हुए हैं। जून के हाई टेम्परेचर का सबसे बड़ा अटैक तो दिल्ली भुगत रही है। पिछले 24 घंटे में ही दिल्ली का पारा 2 डिग्री ज्यादा हो चुका है। अगले 2-3 दिन में पारा 47 डिग्री तक जा सकता है। इस समय कोई भी वेदर सिस्टम दिल्ली और आसपास के इलाकों में है नहीं और साथ ही साथ पछुआ हवाओं ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है। तेज धूप के बीच तापमान सुबह से ही चढ़ने शुरू हो जाते हैं और दोपहर होते होते प्रचंड गर्मी लोगों को परेशान करना शुरू कर देती है। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली NCR, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके इन दिनों जबरदस्त गर्मी की मार झेल रहे हैं। अगले 2-3 दिनों की अगर हम बात करें तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बने रहने की संभावना जताई जा रही है। और राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का फलौदी सबसे गर्म जगह रही है, क्योंकि यहाँ पर तापमान तकरीबन 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुके हैं। दिल्ली के साथ हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में भी गर्मी से बुरा हाल है। गुरुवार के दिन राजस्थान के कई शहरों का पारा कई साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। फलौदी में तो गर्मी का पारा अगले 1-2 दिन में 50 पार कर सकता है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं देश का पश्चिमी हिस्सा कैसे चढ़ते पारे के आगे सहमा हुआ है। राजस्थान में आसमान से आग बरसने का सिलसिला जारी है। जयपुर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के ऊपर चला गया है, जबकि राजस्थान के दूसरे हिस्सों की बात करें तो धौलपुर में तापमान 47 डिग्री के ऊपर चल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर जगहों पर तापमान जो है 44 डिग्री के आसपास चल रहा है। हालात इतने खराब हैं कि धूल भरी आंधियों से लोगों का जीना दुभर हो गया है। जो लोग जरूरी काम से सड़क पर निकलते हैं उनके लिए बेहद मुश्किल भरा दिन है ये। देश के अन्य भागों की तरह गुजरात में भी चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। फिलहाल हम खड़े हैं अहमदाबाद शहर में। ये जो आप सड़क देख रहे हैं जो फिलहाल सुनसान पड़ी हुई है, यहाँ पर ट्रैफिक का आवागमन लगा रहता है, लेकिन गर्मी इतनी है कि लोगों ने अपने घर से निकलना कम कर दिया है। आपको बता दें जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 46 डिग्री तक पहुँच गया है, जबकि मिनिमम तापमान जो है वो 32 डिग्री तक है। पश्चिम में चढ़ता पारा और इससे राहत के लिए मॉनसून के फिलहाल आसार नहीं है, ये हाल देश के पूर्वी हिस्से में है। पूरे उत्तर भारत में जहां जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ भी इससे अछूती नहीं है। 43 से 44 डिग्री तक टेम्परेचर है यहाँ का। और इस वक्त हम पुराने लखनऊ, पुराने शहर के इलाके में है। भूल भुलैया और बड़ा इमामबाड़ा का इलाका है जहां सुबह से देर शाम तक लोगों का तांता लगा रहता है। टूरिस्ट घूमने वाले बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन
आज के रोज गर्मी की वजह से खासतौर से घूमने आने वाले लोगों की तादाद बेहद कम नजर आ रही है। आसमान से मानो आग बरस रहा है और बिहार में भी गर्मी का बहुत ही भीषण प्रकोप देखने को मिल रहा है। बहुत सारे शहरों में जो पारा है वो 42 से 46 डिग्री के बीच इस वक्त चल रहा है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी की ये मार अगले 5-7 दिन तक चलेगी, इसके बाद ही राहत की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि जून का ये हाई टेम्परेचर आने वाले दिनों में कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ेगा। आज तक ब्यूरो। पिछले 24 घंटे में दिल्ली का पारा 2 डिग्री के करीब चढ़ा। जी हां, 44.7 डिग्री के साथ गुरुवार का दिन पिछले 5 साल में सबसे गर्म दिन के रूप में रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में अभी शुरुआत है, अगले 5 दिन में दिल्ली का पारा अभी और बढ़ेगा, तो क्या ये जून दिल्ली के लिए सबसे गर्म होने वाला है? अगले 5 दिन तक दिल्ली की जान बचाने वाला कोई नहीं। 5 दिन तक गर्मी के मारे दिल्ली का दम यूं ही निकलता रहेगा। 45 डिग्री पार कर चुका पारा अगले 5 दिन तक अपनी ताकत दिखाता रहेगा। दिल्ली की पिघलती सड़कों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जून का महीना कैसे इस शहर को जलाने पर तुला है। सुबह होते ही मारे गर्मी के दिल्ली वाले हांफने लगते हैं। दिल्ली को डराने वाली इन तस्वीरों के बीच मौसम विभाग का बयान अगले 4-5 दिन तक शहर को खबरदार कर रहा है। आने वाले दिनों में दिल्ली का पारा 47 डिग्री की खतरनाक हद तक पहुंच सकता है। लू के गर्म और तेज थपेड़े जिस्म से ऑक्सीजन तक सोख लेंगे। समय आपका राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब छोड़कर सारा प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्लाउड हो रहा है, मतलब सारी हीट वेव। दिल्ली में भी हीट वेव है आइसोलेटेड पॉकेट में। ये स्थिति आपको कम से कम 2-3 दिन तक कंटिन्यू होगा। आपको मतलब हीट वेव को तो सामना करना पड़ेगा। आने वाला 1 हफ्ते तक यहाँ रेनफॉल का भी चांस नहीं है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का पारा किसी हाल में 40 डिग्री से नीचे नहीं गया है। आज यानी 5 जून को दिल्ली का तापमान 44 डिग्री तक रहा, जबकि 4 जून को दिल्ली में गर्मी 42 डिग्री तक पहुंच गई। 3 जून को दिल्ली का पारा 41 और 2 जून को गर्मी की ताकत 41 डिग्री तक जा पहुंची थी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में जबरदस्त गर्मी की लहर चल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो 3-4 दिनों तक इसी तरह के तापमान बने रहेंगे। अगर सुबह सुबह की बात करें तो तापमान दिल्ली और आसपास के इलाकों में 41-42 डिग्री सेल्सियस के आसपास सुबह सुबह ही हो जाते हैं, यानी 10:30 बजे के आसपास की अगर हम बात करते हैं तो तापमान यहाँ तक पहुँच जाते हैं। 40 डिग्री से ऊपर चढ़ता पारा जब 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तब क्या होगा? आज यानी 5 जून को पारा 44 डिग्री रहा, जबकि 6 जून को गर्मी 44 डिग्री का डर दिखाएगी। सबसे बुरी खबर तो आगे बाकी है। 7, 8 और 9 जून के बीच पारा कभी भी 47 डिग्री की खतरनाक हद छू सकता है। तेज गर्मी के बीच दिल्ली की सड़कें कमोबेश सुनसान पड़ी है। जूस, पानी, बर्फ सब गर्म हो रहे हैं, जबकि AC, कूलर, पंखे सब के सब अपनी औकात समझ चुके हैं। आइसक्रीम भी इज वन ऑफ द थिंग वेयर वी कैन हैव इट ऑल टुगेदर, बट आई डोंट थिंक सो। मैंने अपना AC ऑन किया हुआ घड़ी गाड़ी में, तो इसमें इतनी हीट है कि मुझे अभी स्वेटिंग होने की हो रही है ऑल टुगेदर। गर्मी के कहर के मारे सुबह 10 बजे से दिल्ली दहकने लगती है। 12 बजते सूरज पूरी ताकत से गर्मी झोंकने लगता है और दोपहर बाद यानी 2 बजे के बाद तो गर्मी के मारे इंसान झुलसने लगता है। शाम 4 बजे से लेकर देर शाम तक गर्मी का प्रचंड प्रकोप जारी रहता है। पिछले कुछ दिनों के दौरान दिल्ली और करीबी इलाकों पर बादलों ने चलते चलते मेहरबानी की थी, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश की चंद बूंदें भी नसीब नहीं होंगी। पूरा जून जानलेवा साबित होगा। पूरी दिल्ली जैसे हीटर में तब्दील हो चुकी है। जो बेचारे बाहर से दिल्ली दर्शन के लिए आए थे वो भी झुलसती गर्मी के शिकार हो रहे हैं। दिल्ली में इतनी तेज गर्मी हो रही है कि जयपुर, मैं सोचा था जयपुर राजस्थान में गर्मी पड़ती है, लेकिन दिल्ली में उससे भी ज्यादा गर्मी है। और हम घूमने के लिए आए थे, लेकिन अब दोपहर के टाइम में ये संभव नहीं है, तो हम सुबह सुबह जल्दी घर से निकले 5:30-6 बजे, जिससे इस ठंडक में हम, लेकिन इस वक्त भी इतनी तेज गर्मी है कि हमको सहन नहीं हो रही। हम लोग पटना से आए हैं,
और बहुत ज़्यादा गर्मी है, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और जूस पीकर ही काम चलाना पड़ रहा है। लेकिन जो घूमने का मज़ा है वो तो आ ही रहा है, गर्मी का अपना मज़ा है, और लेकिन पसीने बहुत ज़्यादा आ रहा है और लग रहा है कि सिर्फ सुबह सुबह ही घूम के हम दोपहर तक घर वापस चले जाएं। दिल्ली पर हर मौसम तबीयत से मेहरबान होता है। बारिश में दिल्ली बह जाती है तो जाड़े में जम जाती है, और अब भयंकर गर्मी में तंदूर और भट्टी की तरह दिल्ली तप रही है। आज तक ब्यूरो। जून में देश के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की आहट दिखने लगती है। आसमान में बादलों का रेला शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार तो आसमान से जैसे आग बरस रही है। पश्चिम से आने वाली हवाओं का जोर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। आखिर वजह क्या है इसकी? आखिर कैसे बिगड़ा मौसम का ये मिजाज? पूरे उत्तर भारत में जानलेवा बन चुकी ये गर्मी मौसम वैज्ञानिकों को भी अचंभित कर देने वाली है। आमतौर पर जून के महीने में पश्चिम से आने वाली गर्म हवाओं का जोर कम हो जाता है, लेकिन इस बार तो पछुआ हवाओं के जोर से ही गर्मी का पारा आसमान छू रहा है। जून में जानलेवा हो रही गर्मी की वजह आम लोगों की समझ से बाहर है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग में जो आंकड़े रिकॉर्ड किए गए हैं उनके मुताबिक दिल्ली NCR के तमाम इलाकों में तापमान 45 से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। साथ ही साथ अगर राजस्थान की बात करते हैं तो कई इलाकों में पारा 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर सूरज की गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो जानकारों का कहना है कि इस समय पछुआ हवाएँ चल रही हैं, यानी पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाएं पूरे के पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में लिए हुए हैं, और इस वजह से पूरे के पूरे उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के तमाम इलाकों में लू चलने की आशंका जाहिर की जा रही है। गर्मी की ये लहर शहर दर शहर चल रही है, जिसकी गवाही मौसम विभाग के दस्तावेज भी दे रहे हैं। इन पर गौर करने पर पता चलता है कि फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं है। जब तक पछुआ हवाएं चलती रहेंगी इस गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी, और पछुआ हवाओं के थमने के कोई आसार नहीं दिख रहे क्योंकि वायुमंडल में कोई वेदर सिस्टम नहीं बन रहा। 10 दिन पहले वेस्टर्न डिस्टरबेंस का चक्र बना था तो पूरे उत्तर भारत में आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई थी, बारिश के साथ तापमान भी औसत से काफी नीचे आया था, लेकिन उसके बाद से बादलों की आवाजाही बंद है। बारिश न सही, बादलों का साया भी होता तो इस कड़ी धूप से फौरी राहत मिलती, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों में इसके भी नजदीकी संकेत नहीं दिख रहे। ये स्थिति आपको कम से कम 2-3 दिन तक कंटिन्यू होगा। आपको मतलब हीट वेव को तो सामना करना पड़ेगा। आने वाला 1 हफ्ते तक यहाँ रेनफॉल का भी चांस नहीं है। दिल्ली में तो वैसे भी मॉनसून जून के आखिर तक आता है, मगर देश के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में भी इस बार संभावना देरी की बन रही है। मॉनसून में जितनी देरी होगी ये तपिश उतना ज्यादा तड़पाएगी। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। पूरे देश में बढ़ती गर्मी कई संकेत दे रही है, सिर्फ मौसम के बिगड़े संतुलन का नहीं बल्कि मॉनसून के बदले मिजाज का भी। जून की गर्मी ने यह तय कर दिया है कि इस बार मॉनसून न सिर्फ देर से आएगा बल्कि कमजोर भी होगा। इसकी वजह कहीं ना कहीं कुदरत से इंसान का खिलवाड़ है। तपिश से राहत के लिए इंतजार तो इन्हीं बादलों का है, मगर ये कारे बदरा 5 जून तक न जाने कहां रास्ता भटके हुए हैं। 1 जून की तारीख कब की बीत चुकी है। सामान्य तौर पर इस तारीख तक देश के दक्षिणी हिस्से में मानसून की दस्तक हो जाती है, मगर इस बार अब तक नदारद है। केरल में मॉनसून की आहट तो दिख रही है, मगर इसके पूरी तरह मेहरबान होने में अभी 3 से 4 दिन और लग सकते हैं। 1 जून के आसपास आता है और अगर 5 या 6 जून को होता है तो इसको नॉर्मल डेट ही कहते हैं। 3-4 दिन का डिले है, ये कुछ ज्यादा डिले नहीं। नजरें होंगी कि दिल्ली कब पहुंचेगी। दिल्ली के लिए बहुत देर है, दिल्ली के लिए बहुत देर है। दिल्ली तो अभी गर्मी का मौसम है, WD एक्टिविटी भी नहीं है, तो धूप निकल रही है और धूप ही रहेगी। केरल ही नहीं, इस बार पूरे देश में मॉनसून देर से दस्तक देगा। इसकी वजह ये तपिश नहीं बल्कि मौसम का बिगड़ा संतुलन है। इसे मोटे तौर पर आप यूं समझ सकते हैं, सर्दी के लंबे दौर और भारी बर्फबारी की वजह से पूरी दुनिया का वेदर पैटर्न बदला है। यूरोप, अमेरिका और चीन में बेमौसम बर्फबारी और तूफान का लंबा दौर चला। मानसून की उत्पत्ति के 12 फैक्टर्स में जबरदस्त संतुलन बिगड़ा है।
अचानक गर्मी और ठंडक की वजह से पूरी दुनिया में हवाओं का पैटर्न बदला है। लेकिन मानसून में देरी की सबसे बड़ी वजह है अलनीनो कंडीशन। अलनीनो प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से ज्यादा होने पर बनता है। मौसम के इस बदले मिजाज की मार जानलेवा तपिश के रूप में झेलनी पड़ रही है। ये सिलसिला जून से आगे तक भी जारी रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून न सिर्फ कमजोर है बल्कि पूरे उत्तर और पश्चिम भारत में बारिश भी कम होने की संभावना है। दिल्ली में सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।